Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 3. If 10a plus b is equal to root 3, 10a minus b is equal to 1 by root 3 and a plus b kya ka sum kya hai 0 degree se bada hai and less than 90 or equal to 90. Yani a plus b kya hai? Acute angle hai. 90 degree se chota ya barabar ya 0 degree se bada. And यहाँ क्या दिया है, a is greater than b, साथ ही एंगल a क्या है, एंगल b से greater है, find a and b, आपको a और b की value बताना है. तो जो हमें यहाँ पे student दिया हुआ है, first of all हम उस पर concentrate करते हैं. हमें यहाँ पे क्या दिया है, 10a plus b is equal to root 3, साथ ही मुझे क्या दिया है, 10a minus b is equal to 1 by root 3, ये हमें दिया है. Now since 10 60 degree is equal to root 3 होता है, एंड 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 by root 3 ये होता है. सो दिस इंप्लाइज दैट मैं यहां से लिख सकता हूं कि 10a plus b इज इक्वल टू 10 60 डिग्री एंड दिस फाइनली इंप्लाइज दैट a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री ये आपको दिया है. नाउ सिमिलरली स्टूडेंट यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट इस वाले पार्ट के लिए कि 10a minus b क्या होगा 10 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा एंड फर्दर a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी. इस इक्वेशन 2 ले लीजिए. अब एड 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. एड कराने पे आपको क्या मिलेगा, फर्दर दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a is equal to कितना आ रहा है 90 डिग्री एंड a is equal to 90 by 2 यानी कि 45 डिग्री. अब a की वैल्यू 45 डिग्री होगी, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो कि a plus b 60 डिग्री थी यानी कि 45 डिग्री plus b is equal to 60 डिग्री एंड हेंस b की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 60 minus 45 डिग्री equal to the 15 डिग्री. So, therefore, A is equal to कितना है 45 degree and B is equal to कितना है 15 degree और यही value आपको find out करना है.